नेतारं नेतारं कर्णे भूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां मन्ये कर्णो लभते वृत्तमसि मामारिदम् सर्वश्रेष्ठ मंगल अवसर दस गण दस लक्षण कहलाते हैं। जीव की शांत निराकुल दशा के दस चिन्ह। जीव को जब मार्ग समझ में आता है, जीवन में उतरता है, इसकी परिणति में क्रोध मान माया लोभ आदि कसान का अभाव है। किससे क्रोध है? तो ये पूछा एक बार कि क्षमा मांगने के पहले क्षमा करना सीख। क्षमा करने में आपको सामने वाला दुश्मन नहीं दिखना चाहिए, अपराधी नहीं दिखना चाहिए, वो जीव दिखना चाहिए। जीव देखोगे तब तुम क्षमा कर सकते हो। तुम्हें वो दोषी दिखता है, इसका अर्थ है कि तुम्हारी स्वयं की पर्याय दृष्टि तुमसे छूटी। जब भी व्यक्ति खराब दिखेगा, समझ लेना अपनी खुद की नज़र इस असमान जाति पर्याय पर है। आप अपने को पर्याय से देखते तब उसको पर्याय से देखते। यदि अपने को आत्मा देखते होते तो सामने वाला आत्मा दिखता, खुद मुमुक्षु होते तो सामने वाला मुमुक्षु दिखता। तो मुमुक्षु दिखने पर स्थिति करण दिखता, दोष नहीं दिखते, दोष निकालने के भाव दिखते। इसलिए क्षमा मांगना सरल है स्वभाव, पर क्षमा करना बहुत बड़ा प्रसाद है, क्योंकि इसमें वीर वेद विज्ञान का जब जीव के जीवन में प्रकट होगा कि अरे मैं आत्मा मेरा किसने क्या बिगाड़ा। कब जब कोई दोषी नहीं दिखे तो सारा विश्व निर्दोषी दिखेगा। अब असली क्षमा उदाहरण, महाराज जी बोले हमने क्रोध किया हो तो क्षमा, हमें क्रोध ही नहीं है। हिसाब हमने उत्तर किया कि तूने किया ही मेरा उत्तर, ये देखो वो कह रहा है कि तूने उत्तर किया ही नहीं मेरा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ मुनि नहीं हूँ। ये उदय का खेल है जो संयोग मिला है, और तू करता नहीं है ज्ञाता है, तेरे भाव आए हैं उससे तू दुखे से क्षमा की जाती। जैन शास्त्र उत्तम क्षमा क्यों कहा? उत्तम कहलाती स्वाभाविक निर्मल परिणति, उत्तम सम्यक दर्शन का सूचक, उत्तम स्वाभाविकता का सूचक। जिसे स्वभाव से रुचि होती है उसे फिर परिणति में क्रोध का कारण ही नहीं दिखता। क्रोध का कारण तो अज्ञान है। मैं एक दिन के लिए गया तो ये किसके साथ कोई ऐसा, उसे एकदम तीव्र कसाया, तलवार में निकला, परंतु मुनिराज की बात का विचार करके रुक। तो वो छोटी बच्ची पुलिस का रोल रख के आई थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और मम्मी के पास वही कपड़े पहने सो गई। उसने ये तो देखा नहीं कौन है, पुलिस ड्रेस देखी तो एकदम से कसाय आई, और जैसे ही मम्मी ने कहा बेटा थोड़ी खसक तेरा पैर हट रहा है, अरे ये तो बेटिया है, आज मुझे मुनीश्वर का उपदेश न मिलता तो दो हत्या हो जाती और दम कुछ नहीं। ऐसे ही आप लगा लेते, जो भी घटना घटती है बिना आपके उदय के घटती ही नहीं है। को अच्छे से लगा लेना, स्वयं की जो परम शुभ अशुभ फल निश्चय ही, ये सामने वाला दे ही नहीं सकता। पहले जिनेंद्र देव की पढ़ाई करना पड़ेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। फिर जो कमट उत्तर कर रहा है ये क्या कर रहा है कि कमट अपने भाव बिगाड़ रहा है। पार्श्वनाथ का कुछ नहीं कर रहा, पार्श्वनाथ की तो निर्द्र हो गई, उनके उदय में प्रतिकूलता आती है तो उस ध्यान में बैठ के सब निर्द्र कर, उनका क्या बिगाड़ कर रहा है।
वो अपने भाव खराब करता है, कहीं अजगर हो जाता है, कहीं भील बन जाता है, कहीं नरक चला जाता है, पार्षद का क्या पकड़ता है। ये बात जब आपको रहस्य की समझ में आएगी तब एक भी आदमी विश्व में दोषी दिख जाए समझ जाना तुम्हें जिनेंद्र देणी में है ही नहीं कोई भी खराब है। वो अपनी योग्यता से अपनी मर्यादा में रह के परिणाम बनाए बिगाड़े उसकी वो जाए। तो हमारी जो सत्ता है स्वचतुष्टयात्मक उसमें कोई डिस्टर्ब कर सकता ही नहीं। ऐसा जिनेंद्र देव के मिलने का बहुत बड़ा लाभ लेना चाहिए कि हमारा विश्व में कोई शत्रु मित्र नहीं। जीव अलग है, जीव जुदा, प्रतिगल जुदा, यही तत्व का सार और कछु व्याख्यान जो यही का दूसरा करो कसाई किसके ऊपर करो। ज्ञानियों को क्रोध क्यों नहीं आता? क्योंकि वो वस्तु स्वभाव जानते, कर ही नहीं सकता। आपके प्रति जो भी प्लानिंग बना रहा है, जैसे हमारी बच्ची को देखा किसी और बिल्कुल तैयार हो गया कि हाँ आपके घर में हम संबंध करें, और जैसे नीचे उतरा घर से और दूसरे पान वाले ने और चाय वाले ने और किराने वाले ने कपड़ा वाले ने कहा कि नहीं नहीं सोनवड़ियों का नहीं कर, ये बहुत बेकार है, ऐसा कहा तो वो संबंध संकेत बताना, वो संबंध कैंसिल हो, जो वो कह रहे थे कि हमें करना, तो बताओ उस जो कैंसिल होगा वहाँ संबंध होना था कि नहीं होना? यही तो वो भगवान कह रहे कि होना ही नहीं था इसलिए तुम्हें लग रहा कि कैंसिल हो। कैंसिल कहाँ से हो जाएगा जब होना नहीं। अच्छा अब अपनी मेहनत सुंदरी को शरीर पार मिलना भगवान बनने वाला, तो अपनी मेहनत सुंदरी हटी चल रहा हूँ क्या, कहाँ से चली जाए तो अच्छी जगह जाएगी। ये कोई भी एक सिद्धांत दिमाग में आ जाए ना तो जीव एक भी व्यक्ति खराब दिखता है यानी तुम्हारी आँख खराब, बेचारा वो अपनी मर्यादा में रह के परिणाम गिन रहा, तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम तो अलग हो और तुम्हारे उदय प्रमाण तुम्हें योग बनता है तो तुम्हारा हित कैसे कर देगा दूसरा? यदि तुम्हारा उदय नहीं हो और वो करे तो फिर तो वो करता हो जाए। इसलिए सैनिक महाराज जी ने यशोदा मैया से क्षमा मांगी कि बेटा हमें क्रोधी नहीं है, हम क्षमा क्या करें, पर हमारी क्षमा से तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा? ये कहते हमारी क्षमा तो है ही हमारे काम में आ रही, उसका आनंद हम भोग रहे, पर यदि हमारी क्षमा से हमने तुमसे कह भी दिया तो तुम्हें क्या हो जाएगा? तुमने तो अपने परिणाम बिगाड़ के साथ में नरक मान लिया और अब परिणाम सुधार के पहले नरक जाओगे तो तुम अपने परिणाम ही का फल तो भोग रहे, हमारा क्या भोग रहे? इतना अच्छा धर्म है, जबरदस्त धर्म, एक बार इसके प्रति बहुत प्राउड आना चाहिए। वी आर जैन, गर्व है हमें कि हमें सर्वज्ञ वीतराग भगवान मिले, वीतरागी शासन मिले, वीतरागी मार्ग मिला, वीतरागी स्वभाव सुनने मिला। यहाँ एक भी विश्व में एक भी गड़बड़ी नहीं है कि अनहोनी कुछ हो गई, जो हुआ है बहुत योग हुआ है और हमें अपनी तरफ देखने के लिए अवसर। रावण तेरी सीता कुछ नहीं लगती, मिलने वाली नहीं, मुफत की मर के नरक चले जाते, कितना अच्छा निर्दोष शास्त्र। सोचो तुम सीता को अपनाने का, वो तो मिल नहीं पाएगी और तुम नरक में जरूर चले। इसलिए बहुत सरल धर्म है। क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न होता ज्ञानी को? क्योंकि कोई अनिष्ट नहीं है, कोई बुरा कर सकता नहीं, तो क्रोध किस पे कर? मान क्यों नहीं होता ज्ञानी जीव को कि संयोगों से बुद्धि हट गई है, ये परमाणु मात्र मेरे नहीं, तो मैं बड़प्पन बताऊं किस पर? मानकरण को कौन ठिकाना, खाई के ऊपर घमंड कर। ऐसा गजब का धर्म, अपन ने तो पूरे दस दिन की बात, आज तो ब्रह्मचर्य का दिन, बहुत पवित्र दिवस, आज तो पांच पर्व है, उत्तम पहले तो दस लक्षण पर्व है, सोलह कारण पर्व है, फिर वासुकुज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, फिर चौदस का पर्व, रत्नाद्रय का पर्व, कितने पर्व यहाँ पाँच, कितने प्रसन्न होने चाहिए, कैसा सौभाग्य अपन को ऐसे भगवान मिली, ऐसा मार्ग मिला। हमारे यहाँ खराब दिखाई नहीं जाता, लड़ाई वड़ाई कराई नहीं जाती, कर्णमा ने एक समय का हो गया वो एक नई बहू आई, पड़ोसनों की लड़ाई होती है, तो सवेरे से सासू उठी और झाड़ू लेके गैलरी में गई, झाड़ू लगा, अब वो सामने वाली भी उसी समय आती थी, ये भी दोनों, और दोनों की तत्कार सूत्र की चर्चा होती, लड़ाई लड़ाई। अब बहू ने कह
कहा मम्मी मैं लगाता हूँ, जा मैं लगाती हूँ। अरे बेटा तू नहीं जानती यहाँ डायन रहती चुड़ैलन रहती, तू उनसे कैसे निपटेगी? नहीं नहीं मम्मी मैंने भी कुछ पढ़ा, मैं निपट, आप शांति से भगवान का नाम अभी मैं जान। तो वो बहू गई झाड़ू लगा रही, तो उसने सामने वाली से मम्मी जी जय जय बढ़िया ही जय जयंत करने वाले धर्मात्मा बने नाम कारण वो कह आपका स्वास्थ्य ठीक है, लड़ना ही नहीं है, वो गाली दे और ये मीठी मीठी बात, आप कितने बजे मंदिर जाते हैं सर? देख कौन कर वो गाली दे और ये पूछे गजा हो गया एक बेटा तू कहाँ से आई? अब बदल गई तो अब सीढ़ी बदल गई, बेटा तू कहाँ से आई? क्या मोक्ष मंडल हिम्मतनगर से आया, तुझे तेरी लड़ना ना उसने कह जाते नहीं नहीं उसमें कौन अपना खून जलता है मम्मी, अपन का अपन को दोनों के साथ रहना अच्छे से रहेंगे, नार की मिल के रहें तो कम से कम वहाँ लड़ाई बंद हो जाए, पर वे कहते हैं कि नहीं तुमने दूध पिया तो हमने भी, अब बताओ कौन सा नहीं जो लड़ते हैं वे नार की जीव खेला, हमें लड़ना ही नहीं। डॉक्टर भारत कहते हैं कि जैनी व्यक्ति गड़ा पत्थर उखाड़ता चेतन में, गड़ा पत्थर क्यों उखाड़ता? उखड़ेगा नहीं और हमें लड़ना, उखड़ेगा नहीं क्योंकि वो तो गड़ा है, और सामने हुई कोई छत्री और जैनी से आ निकल सारे देखता हूँ, हाँ निकल गया बाबू जी आपको बुला कि तू ज़्यादा बड़बड़ की बातें करता और हम तो कुछ करते नहीं। अच्छा सामने तो चित्त हो गए पहले से हमें हाथ पांव तोड़वा रहे थे, हम हार गए बाबू जी आप जीते, ऐसी जैनी को कौन दुखी कर सकते? जैनी हो तो दुखी नहीं, दुखी हो तो जैनी नहीं, हमारे भगवान ने लड़ना मरना नहीं, अपने शत्रु तो ही खत्म कर दी, शत्रु तो है ही नहीं, यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे अस्ति परम अहिंसक आचरण, महावीर नाम है लड़ना मरना आता है, लड़ने की जगह तो इस तरह से दसों धर्म अपनी परिणति में प्रकट होते हैं। सुंदर जी शैलेश बाबू कहाँ गए जरूर, ये कह रहे हैं कि जिसे उत्तम क्षमा नहीं उसे उत्तम मार्दा धर्म नहीं होता, जिसे उत्तम क्षमा नहीं उसे ब्रह्मचर्य नहीं होता, जिसे ब्रह्मचर्य होता है वो कोई उपाधि नहीं है, डिग्री नहीं है, कोर्स नहीं है, दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, वो आत्मा की ही एक परिणति का नाम ब्रह्म है, ब्रह्म में चर्या करना ब्रह्मचारी है। पत्नी पति का त्याग कर देने से ब्रह्मचारी नहीं हो जाता है, ब्रह्म सुहाता है उसमें रमण करता है आनंद भुगता है उसे ब्रह्मचारी। आज उसका पर 5 मिनट 10 मिनट करते हैं फिर समाधि में पाठ पढ़ते शील बाड़े नो नरक में भी सील का धारण, और यहाँ
यदि तुझे आत्मा नहीं रुचा तो महाव्रत का परिणाम लेने पर भी कुशील सेवन करता। केदम हो सुशीलम जन संसार पवेशेदी पुण्य पापी का अधिकार रहेगा। कमम सुहम सुशीलम चावी जान असम कुशीलम। जैसे असुख कुशील है, जैसे सुख कुशील है। क्यों कुशील है? कि जिसमें संसार मिले हैं उसे सुशील कह सकते, जिससे बंधन हो उसे धर्म नहीं कहते, हम तो छूटने के लिए। तो पुण्य होने का निषेध नहीं, पर पुण्य में संतोष मानना, धर्म मानना, मोक्ष मार्ग मानना, ये निषेध। पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, ये अपन जिंदगी भर गुरुदेव इसे पढ़ाते पढ़ाते चलेंगे कि तेरे भ्रम टूट दे भाई। पुण्य का काम तो द्विंदी पर्याय में 923 गिंजाइयों ने और चक्रवर्ती के घर में जन्म लेने का पुण्य मान लिया। मेढक ने कौन सी पूजा की थी और रिद्धिदारी देवन यदर्चा भावी ने प्रमुदित मना धर्य छड़ा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुखने दे लवंते सदभक्ता शिव सुख समाजम के मुद्दा महावीर स्वामी नयन पदगामी। हे महावीर स्वामी, आपके समूह शरण में मेढक जैसे जा रहा था, यदर्चा अर्चना के लिए भावे ने भाव से प्रमुदित मना प्रमुदित होकर दर दुर मेढक जा रहा था और जान पूजा नहीं कर पाए और पूजा का फल मिलता, भावना का फल मिलता था। सामायिक में पानी नहीं पी पाए और पानी का कीड़ा बन गया, मंदिर नहीं बन पाया और अपन चले गए तो भी मंदिर बनाने का फल, भावना कैसी है? तो सील की भावना रखो आप, हमारे लिए सब माँ बहन। जम्बू स्वामी से कहा कि बेटा तेरी बहू है ये, कि मम्मी क्या करे, ये माँ दिखती है मुझे संसार में रहने, मुझे नहीं रहना संसार में, मुझे भगवान बनना है। इन्हीं से तो मैंने अनंत बार जन्म, कीचक का नाम सुना, द्रौपदी का नाम तो सुना। द्रौपदी को देख करके जब जंगल में थे तो कीचक विराट राजा का साला था, वो अपने बहनोई से राजा से मिलने आए और वहाँ भीम हलवाई का काम करते थे, ये द्रौपदी मालिन का काम करते, ऐसा समय गुजारा उनने, बड़े बड़े भगवान बनने वाले उदय कहाँ खड़ा कर दे। तो वो मालिन का काम चोटी हो रही थी और विराट राजा का कीचक साला आया, उसने देखते थे कैसी विश्व सुंदरी और नौकरानी, तो उसकी आँख टेढ़ी होने लगी। तो उसने अपने परिवार की जनस का, मैं उस घर में अब काम करने नहीं था, एक व्यक्ति आया उसकी दृष्टि सही थी। तो भीम ने कहा कि आप बिल्कुल नहीं घबरा, उसे बोलना कि अपन यहाँ मिलेंगे, क्षेत्र बता। और भीम ने स्त्री की साड़ी पहनी और उस व्यक्ति को इतनी पिटाई लगाई, कीचक को इतनी पिटाई लगाई, इतनी पिटाई लगाई, तो उसमें लिखा कि पिटते पिटते समय दर्शन मुक्का खाए भीम को कीचक, सम्यक दर्शन धारो निमित्त को कठु न पत्या। निमित्त का पता ठिकाना नहीं होता, जब काम हो जाता है तब निमित्त कहते, कारज भये निमित्त कहावत, बाकी सब व्यर्थ को। कीचक को बहुत दुख हुआ, किस समय दर्शन हो गया पटते पटते, अरे रे मैं क्षत्रिय राजघराने का और कोई बिचारी आपत्ति मारी उदय परमा काम कर रही थी, मेरा क्या बिगाड़ गया, क्या बिगाड़ दिया उसने, क्या बन जाएगा, मैंने क्यों खराब थी, अब देखो विशुद्धि आ गई। पिटते पिटते, अरे रे मैंने मुनिराज की बातें नहीं मानी, उनने आत्मा में आनंद बताया, मुझे शरीर में कैसे दिख गया। विचार करता करता इतना गहरा उतर गया, उसे समय दर्शन पिटते पिटते विशुद्धि जैसे नरक में हो जाता हो गया। अब वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि मुनि हो गया और मुनि हो के केवल ज्ञान ले, तो मुनि हो गया। तो मुनि बने में जब वो देव एक परीक्षा लेने के, इसकी परीक्षा लें, अब इसके चित्त से द्रौपदी उतरेगी, तो वो मुनि की दशा में बोले मैं वही लड़की हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आप आज्ञा करें। उसी दिन उनको केवल ज्ञान और ध्यान गहरा, तो उनसे पूछा जब केवल ज्ञान हो गया, हे भगवान आप जब ग्रस्त थे और आपने उस लड़की को देखा था, उसके प्रति आपके प्रणाम क्यों बिगड़े थे, प्रणाम हरिवंश प्रणाम, तो आपके प्रणाम क्यों बिगड़े। तुमने उत्तर दिया
कि ये पूरब में मेरी मम्मी है, ये जो द्रौपदी है पूरब में मेरी मम्मी थी, और ये बाद में राग कन्वर्ट होके इस रूप में खड़ा हो सकता है। आप समझ नहीं पाओगे कि मेरी जो पत्नी है ना, ये पत्नी मेरी पहले बहन थी कि माँ थी कि लड़की, आपको कुछ नहीं पता। यदि बता दे तो अभी रोना आ जाएगा कि तुम्हारी सिस्टर है जिसके साथ तुम शादी। आज के दिन विचार करो आप, इस कचड़े से कीचड़ से निकाल दें जन्म। एक तो भोग शोभते नहीं, ये अच्छी चीज़ें नहीं, ये तो नारकीय पशुता जैसी, परंतु वो काम रोग है ना, जीता नहीं जाता। तो नहीं जीता जाता तो विवेक तो जगा सकते, इसमें लिमिट तो रख सकते, वैराग्य की भावना तो भर सकते, ये तो भर सकते। कब छूटे कब छूटे, ये गंदी चीज है, बिल्कुल सोचते नहीं। हे भगवान मुझे बल दो, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके भगवान आप हुए भवकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। गजब का भजन है, अड़ी खड़ी हो अमिट अड़चने आड़ी अटल अपार, तो भी निपट निराश निगोड़ी फटके न आवे द्वार, मुझे है स्वामी उसे बल की दरकार। दीवांगना खड़ी हो सन्मुख करती अंग विकार, उदय आ सकता सुदर्शन सेठ का है। ऐसा पवित्र जीव उसी भव में मोक्ष गया, कोई रानी उठा रही, कभी कपड़ा बुला रही, कभी वेश्या परेशान कर रही है, कैसा कैसा बंद बांधा उसके उदय में निमित्त बने, और वो सेठ सुदर्शन साहू में लगे नहीं अति चार, मुझे है स्वामी उसे बल की दरकार। खुद विचार करोगे तो आपको एकदम विरक्ति, किससे प्रेम करना चाहे। अभी हम किसी बच्ची जा रही हो उसके प्रति राग और आकर्षण खड़ा कर, यदि हमें भगवान बता दें कि जिसके प्रति तुम्हारे प्रणाम बिगड़ना है, ये तेरी माँ, ये तेरी बहन है, फिर बताना जरा हाँ। ये तो अंधेरे में अज्ञान अंधकार में सब पाप चले, तो बहुत बड़े पाप से देखो द्रव्यंसा से भी बचा है। एक बार के विषय सेवन में 9 करोड़ 9 लाख जीव मर जाते, घाते घाते असंख्येज असंख्या तो मत, इतना गंदा शरीर होता है स्त्री का कि पढ़ना ज्ञानार्णा स्त्री निंदा नाम का एक पाठ्य, और उसमें ऐसा लिखा बताना अच्छा नहीं लगता, फिर भी बैराग के लिए बताया कि स्वयंभू रमण समुद्र में जैसा आधा जम्बू आधा मध्य लोग है, स्वयंभू रमण समुद्र जितना, तो जितना बड़ा समुद्र है जैसे उस इतना बड़ा समुद्र में कितने जीव राशि होंगी और एक बूंद, तो मनुष्य पुरुष के शरीर में यदि एक बूंद शरीर में त्रस आदि जीव पाए जाते हैं, तो महिला के शरीर में स्वयंभू रमण बराबर जीव पाए जाते हैं, इतने जीव रहते हैं। ये बहुत निंद पर्याय है, उससे निपटना बहुत ताकत का काम, क्योंकि बार बार स्त्री बनता है बार बार, क्यों उसे सजती रहती तो बंद होते, उसे नेचर में प्राकृतिक एक रोग सजने के, तो वो बंद होते रहे, उसे निपटना आना चाहिए। अब मुझे ऐसी दशा नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान बनना, भगवान बनना, मेरे शरीर नहीं, शरीर नहीं, शरीर का पक्ष छूटे तब स्त्री पर्याय से। 36 बार सीता हिरणी गधी हथनी कुतिया ऐसी पर्याय में जाती थी, 36 बार पढ़ना पदम पर, बहुत बुरा रोग है, निपटना बहुत कठिन है। तो जो पुरुष हैं उनको स्त्री के प्रति माँ बहन बेटी के भाव आने, महिलाएँ उनको भाई जैसा लगता, ये सब परस्पर एक दूसरे से एक दूसरे को सपोर्ट करें। रक्षाबंधन सूत्र में भी सपोर्ट करें, भैया कंदमूल नहीं खाना, रास्ते में भोजन नहीं करना, ढंग से जीना स्वाध्याय करना, जैसे निकालो एक दूसरे क्या करो अनादि करो, कोई ऐसा सोचने से नहीं छूटता, वो ताकत लगेगी। इसमें लिखा माता बहन सुता पहचानो, सही बान बरसा बहु सूरे टिके नने बाण लखे कूरे, कूरे किया के असुचितन में काम रोगी
मुक्ति करे भवमृत कृष्ण मसान माई काल जो। इसी बात पर पूजा में लिखी जाए तो वैराग्य जगाने के लिए लिखना ध्यान तो जी बहुत आत्मज्ञान है पूरे दिया के अशुचि तरण बताओ अपनी मम्मी भी हो सकती पत्नी भी हो सकती बहन भी जो शरीर की रचना ऐसे तो उसके शरीर में बहुत जीव राशि होती बहुत क्योंकि हर आदमी स्त्री को पसंद करता है तो स्त्री मिलना तो कठिन है स्त्री के अंगों में कीड़ी बनता है तो वो कांकरी में स्तन के बीच में योनि में बहुत ज़्यादा जीव राशि अपार जिसकी अपन काउंटिंग नहीं कर सकते और इसे यदि किसी को बचना है तो ऐसी पर्वों में जैसे जैसे बने आप समझो बहुत घृण शरीर है ऐसा विचार की दोष न लगा और ये बचेगा वो ही जैसे ब्रह्म आत्मा भगवान देखेगी आनंद भोगने के लिए हम मनुष्य पर्याय में आए हैं ये काम रोग को हमें दूर करना निकल जाए ये विजय विजय दो नाम हो बस इसको समाप्त करके अपन तो समाज में विजय विजय दो व्यक्ति एक गांव में मुनि राज आए उन्होंने ब्रह्मचर्य के बहुत गुण बताए बहुत समय बचता है इससे जीव का घात बचता है आत्मबल बढ़ता है ब्रह्म आत्मा को भोग करते हैं मुनिराज बहुत आनंद भोगते हैं आत्मा आनंदमयी विषयों में आनंद नहीं है खूब समझाया जीवों का घात बताया पुराने संस्कार पांच इंद्रिय के किसी भी विषय में तुम्हारा लगाव है यानी ब्रह्म का घात हो तुम हलवा भी अच्छी मन से खाओगे ना तो अब ब्रह्म का सेवन बहुत अच्छी पूजन भी लय से सुनोगे लय पे भजन जाता तो अब ब्रह्म का दोष इतना तक नहीं छूट। अरे पद्मनंदी पंचमी सत्कार में तो इतना तक लिखा है कि भैया मेरे मुख से तो ब्रह्मचर्य की ही तारीफ हो तुम्हें बुरा लगे तो क्षमा कर देना मैं किसी को दुखी करने के लिए ब्रह्मचर्य के गीत नहीं गा रहा हूँ पर कोई व्यक्ति व्यक्ति व्यविचारी बैठा हो और उसका हृदय खेत खंड हो तो हमें क्षमा कर ऐसा लिखा ब्रह्मचर्य तो विजय विजय की कथा कह रहे थे कि विजय नाम का लड़का और उसने मुनिराज के बहुत महिमावंत प्रवचन सुने ब्रह्म को देखो सिद्धों जैसा आनंद आएगा भगवान बनो उसने कहा कि महाराज जी हमें दे दो आप नहीं हम जीवन भर ब्रह्म से तो कहा बेटा जल्दी नहीं करो भावुकता में तुम एक पक्ष कर लो तो समझ लो उसने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य अब दूसरे गांव गए मुनिराज और उन्होंने इसकी ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा गाई तो वहाँ एक कन्या आई देख प्रकृति के कैसे धर्म तो वहाँ एक कन्या आई कि महाराज जी हमें दे जीवन भर का ब्रह्म बेटा अभ्यास करो कि एक पक्ष करे तो उसने कहा शुक्ल पक्ष कर तो उसने शुक्ल पक्ष का एक ने लिया एक ने कृष्ण पक्ष इसने बच्ची ने कृष्ण पक्ष का लिया उन्होंने शुक्ल पक्ष का अब कुदरती ऐसा योग बना कि दोनों पर शादी हुई तो अब शादी हुई शुक्ल पक्ष का अवसर था तो पति देव स्वाध्याय कर रहा था वो बैठा था तो उन्होंने कहा कि अपन ने शादी की है और तुम्हें हम पत्नी बन के आए तो आप बोलते भी नहीं ऐसा क्या गलती हो गई क्या अपराध किन्नी नहीं देवी बुरा नहीं मानना अभी मैंने ब्रह्मचर्य पक्ष का लिया है अभी मेरा पक्ष चल रहा इसलिए मेरे परिणाम अभी सदाचार से नियम पालने तो वो लड़की हंस पड़ी तो उसे इतना गुस्सा है कि तू हमारे नियम की हंसी उड़ा नहीं नहीं मैं हंसी नहीं उड़ा मैं उस दिन की याद कर रही हूँ कि जब मैंने कहा था मुनिराज से कि मुझे पूरे जीवन का दे दो ना तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं बेटा एक पक्ष तो अरे मुझे आज खुशी हुई कि मुझे ऐसा पति मिला जो मेरे जीवन का ब्रह्मचर्य सदवा दे क्योंकि ये भी इसी का प्रेम है ब्रह्मचर्य और मुझे भी ब्रह्मचर्य से प्रेम अब हम दोनों मिलकर साधना करेंगे और दोनों का एक शर्त रुझान पति भी बहुत खुश हो अब उन्हें एक शर्त रखी कि दोनों के जो नियम है तब तक अपन घर में भाई बहन जैसे रहेंगे एक बिस्तर पर सोना और भाई बहन जैसे रहेंगे और जब पिता माता को पता चल जाएगा कि ये ब्रह्मचर्य से रहते उस दिन अपन दिनेश्वरी दीक्षा करें ऐसी तैयारी से रहते भावना से तो अब वो क्या हुआ एक गांव में एक उसी गांव में एक महिला के हाथ से बिलजानी बाहर लड़क के कुएं के बाहर बह गई तो मुनिराज से उसका प्रायश्चित लेने की
कि महाराज जी मेरे यहाँ से अपराध हो गया है, मेरे यहाँ से बिछानी चली गई, मैं कौन सा प्रायश्चित। तो उन्होंने कहा कि इस नगर में धर्मात्मा जीवों को बुलाओ, भोजन कराओ, विनय करो, हाथ जोड़ो, विशुद्धि जगाओ, और जिस समय तुम्हारे घर का चंदोबा का रंग बदल जाए, समझ लेना वो प्रायश्चित में लीन फल में। तो उसने पूरे नगर के लोगों को जो जैन थे साधर्मी थे उनको भोजन कराया, पर चंदूबा का रंग नहीं बना। उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा था कि वो चंदूबा का रंग, तो भैया कोई रह गया क्या यहाँ? उन्होंने कहा भैया ये वो शेष तो आए थे मम्मी पापा, तो उनके लड़के वो नहीं है। अच्छा वो जो जिनके अभी तक 10-15 साल हो गए वो लड़के बच्चे नहीं होते, वही ना ऐसे प्रसिद्धि होती, तो लड़के नहीं होते वही ना, हाँ वो तो वो आए। उनसे कहा कि भाई साहब आपके भोजन करिए, आप इसमें नहीं पढ़ो, हम अपने शुद्ध भोजन करते, हम कहीं जाते हैं नहीं, नहीं आप चलो, हाथ जोड़ दें। महाराज जी ने कहा कि सबको खिलाना तो आपकी व्यवस्था। तो जैसे ही गए उनके हार हुए तो वो चंद हुए गए रंग बदल गए। उनसे पूछो कि तुम हो कौन, ये पुत्र की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई तुम्हें इतने साल? हम दोनों तो भाई बहन जैसे, कि क्यों रहे हम लोग नियम ऐसे मनिराज से नियम नहीं ब्रह्मचर्य। और इसलिए महाराज जी ने कहा था ऐसे पवित्र जीव आएंगे जब ये चमत्कार उनके भोजन कराने का फल है, तो अब वो बात छिपी नहीं दबी नहीं रह सकी, और उसको कह आए उसके पिता ही मम्मी को कह गांव भर में कह दी अभी सवेरे जनेश्वरी जी थी। ऐसी विजय विजया की ब्रह्मचर्य के नाम से कथा मिलती है, बड़े बड़े लोगों की मिलती है, अच्छे अच्छे सुदर्शन सेठ की मिलती है, नीली की, सीता की, सोमा की, रैन मजूसा की, जिनने भी ब्रह्मचर्य का आदर किया है उनकी देवताओं ने सेवा की। किसी किसी के चमत् जीवन में चमत्कार हो गए हैं, किसी किसी के नहीं भी हुए, ना हो चमत्कार पुण्य के उदय में होता है, परंतु सबको शील पालन करना चाहिए। ये पर्व आज का अपन को बाहर से भी जगाता है और भीतर भगवान ब्रह्म विराजमान, उसमें चर्या का नाम ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य इसके लिए लेना है। और बाहर में यदि ले लो अब ब्रह्म का त्याग करने के लिए, तो उसे बहुत बड़ी डिग्री और उपलब्धि नहीं मानो, ये निर्वृत्ति और समय निकालना। तो ये अंत में लिखा संसार में विषबीर नारी सज गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म दस पेड़ चढ़ के। ब्रह्मचर्य और आकिंचन तो धर्म का सार है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस, जिसने आराधना की है उसे अपने आप लगने लगे, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बहुत सब है अपने। और ब्रह्म में ये अस्थि से, ब्रह्म में चलिए अस्थि से, और अकिंचन यानी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, इस तरह से उसका जीवन बहुत सार्थक है। देखो आज के विधान में 2 मिनट में 9 बार लगाने के लिए का शील बाण नौ रा, सब देखना सुन बल लेना, अभी सबके यहाँ पे पुस्तक नहीं है। तिया बास जाता बास न कीजिए, अपना शील भाव रख लीजिए, सकल नारी जननी समझूवे ब्रह्मचर्य जज सब अर्थ, स्त्री सेवास वर्जनोत्तम ब्रह्मचर्य धर्मा। यानी तुम स्त्रियों के साथ रहोगे तो वो भाव कितने दूध की धुले हो उस जाति के विकल्प आने में देर नहीं लगेगी, इसलिए अधिकतर आपको अकेले में 2 व्यक्ति हो, एक लड़की और एक लड़का, तो नहीं बैठना सामूहिक में बैठना। तो स्त्री वास का एक 9 सील में 1 बार। दूसरा ओम नीम श्री स्त्री मनोहराम निरीक्षण वर्जनोत्तम। अब अनादि से जीव के ये अंगों को देखने की आदत है, टीवी में मोबाइल में, अब तो खुल के पाप। पहले तो हम अपने मम्मी को पता चला, हमारी शादी के बाद हम गए एक बार पिक्चर, तो पिक्चर गए तो गांव में खबर पहुंची कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया, पिक्चर गया, एक पिक्चर देखा तो गाँव में खबर पहुँची, क्या भैया ये कब कब से करने लगे पिक्चर विक्चर का काम, अब तो मोबाइल में दिन भर देखो, जो सी मम्मी और पापा और पत्नी को देखना सब, अब तो खुल के पाप। यानी परिग्रह त्याग ना हो तो जितने परिग्रह 24 होते हैं तो एक परिग्रह और लगा लेना, मोबाइल परिग्रह आए त्याग आए, छोड़ ही नहीं सकता, बहुत ताकत है।
तो भी ये मनोहरांग निरीक्षण से बचा। तीसरा लिखा कि राग के वचन ऐसे होते हैं मीठे मीठे वचन, इसमें जी फिसल जाते। जैसे मधुर संवेदन कोई करता हो तो भी बचना, आप भी बचना और दूसरों को भी बचने दे। चौथा लिखा कि पूर्व में जो भोग हो गए हैं उनका तुम स्मरण करोगे तो फिर प्रणाम बढ़ेगा। अरे काय की भोग होगी, पल्लेदारी मूर्खताई है, अच्छी अज्ञानता है, ये क्यों ऐसे भाव हुए, ऐसा कभी अपराध हो गया हो तो भी लौटा, हे भगवान मैं उसका आदर नहीं करता, क्योंकि देखो अपन अनादि से भटक रहे तो किसी न किसी से संबंध रहे, तो जिसके प्रति रहे उसके प्रति देखते ही राग आ जाता है, तो राग आ जाता है तो कभी कभी विकृति भी हो जाती है, कभी कभी परिणाम आके चले हो गया हो वो परिणति छोड़ो, अब उसकी निंदा करो और अब ना हो ऐसी साफ, ये तो कर सकता है। फिर भोजन में बहुत विवेक चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रात को खाके सोते उनके तो गंदे परिणाम, मधुर मत परिणाम, गंदे ज़्यादा मादक पदार्थ खाओगे तो भी परिणाम देगा। भोजन बहुत सरल होना चाहिए, जो बनाने में महिलाओं को बाधा ना जाए और खाने में परिणाम न लगे, ये आप देखो कि किस चीज़ के खाने से हमारे कैसे परिणाम लगे। ज़्यादा दाल बाटियाँ बापले नहीं बनाई जाती, बहुत सहज सरल जीवन जिया जाता, शरीर भी बीमार ना हो ऐसा विचार करके भोजन करें, तो भोजन से बचाएं। श्रृंगारित अब फटे कपड़े आ गए, आधे कपड़े आ गए, लड़कों के कपड़े लड़के पहनते कार्टून सी जैसे पगलियाँ जैसे, तो उनको लगते ही नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त कर रहे हैं, तो ये जबरदस्ती लोगों को रिझा कर और अपने सील को बेच रहे हैं, अगले भाव में बेच से हो सकती है, ऐसे बुरे बंद हो जाते। पता नहीं तुम्हें पांच आदमियों के साथ जा रही थी बेच से, और द्रौपदी के जीवनी जरा इतने देखो, हम बस सूरत कुल नहीं दी, और ये देखो सुंदरी जा रही इसके पीछे पांच पांच, इतने में वो दोष लगा पंचकोश दोष लगा पवित्र जी, क्यों सोचे जगत की बात, तो ये श्रृंगार ऐसे नहीं करना। अब किसी से कह नहीं सकते कि डाई आई सब बंद करें, काहे को करा रहे, कौन को दिखाना, काले हो जाए चाहे सफ़ेद हो जाए, क्या अपने है ही नहीं, थोड़ी बहुत देर आगे तो आने दो, तो आने नहीं देता, उसके पहले ही लिपा पोती कर। और नारी की सैया पे मत ऐसा है, और काम की कथाएं ना पढ़, मतलब इस तरह से ये सब बहुत गजब की, आज 22 है कितने अरबी चढ़ाए थे, यानी कितना लिखे ज्ञानी जान जानते हैं, बहुत बड़ा रोग है, इससे निपटना सबके बस का नहीं है, बहुत पुरुषार्थी व्यक्ति थे, और अपन सब पुरुषार्थी बने ऐसे सोच के इस मार्ग में लगे। अभी ये समाधि मरण का पाठ निकाल लें, अंतिम बार अपन इसको पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ के यहाँ से छोड़ा था, पर उसके अर्थ परम पंच परिणीति का ध्यान धर, परम ब्रह्म का रूप नजर, परम ब्रह्म की मुझे आई परख हुआ और मैं संन्यास का अब हरख, लगन आत्मा सो लग गई भग गई, लगी दृष्टि चेतन चिद्रूप पर टिकी ब्रह्म के ज्ञान के रूप। यदि देखो 10 दिन का सार, यदि आपको बात बात में अब आत्मा याद आने लगा तो समझ लेना ये परम ना, कौन खाता है अरे ज्ञान हो रहा, कौन पीता अरे ज्ञान हो रहा, कपड़ा किसने बदला अरे हमें जानना, मंदिर कौन जान रहे जा रहे हैं कि जान रहे हैं, ऐसा यदि बार बार याद भी आने लगे ना तो समझ लो तुमने 10 दिन में कुछ अपना प्रख्यात परम ब्रह्म की अब लटारट मेरे निजानंद रस की बटागट मेरे, यहाँ आज रोने का क्या शोर है, जो निरंजन
आराधना अच्छी चल, अच्छा लगा। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा, क्या निकलता आपके यहाँ, कौन सा अध्याय चल रहा भाई, एकदम हृदय बदल जाएगा। सामने वाला फालतू की बात नहीं, मैंने पी गए घर में बहुत था, बाहर से नहीं हो रही, पूरे 10 दिन हो गए। अब हमें पानी की सुनना है कि जनवाणी की सुनना है? जरा रोने का तो मन करो, नजर पर डरो, उठो अब मेरे पास से सब कुटुंब, प्रजा हो में त्याग का भय बिटम, जरा आत्मिक भाव उरे आने दो, परम ब्रह्म की लय मुझे ध्यान दो, मुझे ब्रह्म चर्चा से भरते उलास, करो और चर्चा न कुछ मेरे पास, जो भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का सुहावे मुझे, ये काया पे कुट की पड़ी मौत की याद आई, खेलो के हाथ की। ऐसा जीवन हो रहा है कि नहीं, बार बार बात बात में याद, नमक नहीं करना, अरे क्या करोगे शरीर को, तो मिले देखें आज क्या मिलता है कि नहीं, पढ़ना मत, ज्ञान थोड़ी खाता है, उसे जानना होता है। ऐसा आदत डालोगे तो ज्ञान भूलता जाएगा और पुरानी वासनाएं मरती, नहीं तो वो तो भिखारी बना है। ये देह चिरकाल से है मोई, मेरी जिंदगानी से जिंदा भई, तजान नफरत से है मुर्दा आज, चलो यार चल कर करें मोई। दूसरे अपन को कुछ बोल देते तो बुरा लगता, ये कह रहे कि तुम अपने मुंह से कहो मुर्दा मुर्दा, जो आईना में दिख रहा है ये मुर्दा है, इसमें चेतना नहीं, ये पड़ोसी है, परद्रव्य है, नाम कर्म के उदय के प्रोडक्ट है, इसका जीव से कोई लेना देना नहीं, यही मिला है यही विसर्जन हो जाएगा, राख की पूर्व पर्याय है इसका नाम शरीर, ऐसी बातें करो तो बहराग आए, नहीं तो हर आदमी चिकनी चुमड़ी चपड़ी भर रीझ रहा है, ये फास्फोरस चमकती है। देह की मगनताई यह मांस भर, जो आईने में देख देख करके शरीर को देख देख के खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ये सब मांस भक्षण का दुख, क्योंकि तुम मुँह से तो खा नहीं सकते पर आँखों से तो खाते। तो देह चिरकाल की है मुर्दा, मुई यानी मरी मराई, और जब इसमें जीव आ जाता है तब इसे सजीव कहते, और जीव निकल जाते ही मट्टी के, कहते वहाँ नहीं जाना भाई मट्टी पड़ी, अच्छे से अच्छा हो तो मट्टी के। जिसम जो पड़ी को लगी आग, जब हुई मेरे मेरा गति जाग, तब संभाले अपने रतन में दी अपने आप को आप। सतीश भैया ने एक प्रश्न किया था सभी जी कि सम्यक चार्ज की पूजन में अंध पंग और आलसी जुदे जले जल दो, ऐसा एक लाइन आई, उसका क्या? तो पद्मनंदी पंचविंशत का धर्मोपदेश सामृत में आया है कि जंगल में तीन व्यक्ति जलकर मर गए, तो एक था अंधा, एक था लंगड़ा और एक था प्रमाद। अंध पंग और आलसी जुदे जले जल दो, अलग अलग थे तीन व्यक्तियों की कथा कि वो अंधा क्यों जल के मर गया, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दी कि आग लग। लंगड़ा क्यों मर गया, क्योंकि उसे तो आग दिख रही थी ना, अंधा व्यक्ति को आग दिख रही, वो क्यों जल के मर गया, चल नहीं सकता, आँख
तो थी पर चला। एक की श्रद्धा नहीं है, एक के ज्ञान नहीं है और एक के आलसी करानी छू। तीन व्यक्ति लिए सम्यक दर्शन ज्ञान बताना, चार बताना। तो एक के बताया दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन। एक के बताया जानकारी तो होगी चल नहीं सकती, और एक के बताया आँख भी है पैर भी है, अरे देखी जाएगी अभी तो बहुत दूर है। और वृक्ष बीच जंगल में बीच वृक्ष के ऊपर खड़ा देख रहा, देखो वो खरगोश चले, देखो हिरण को आग पकड़े, देखो वो चले गए, बाजू वाले थे ना वो कोरोना में चले, तुम भर अमर रहोगे। अपने बारे में मरण सोच भी नहीं सकता, आत्मा कहाँ से देखे सोच भी नहीं सकता। अब तो इतने अच्छे लोग आ रहे हैं कि मृत्यु के लिए जहाँ मट्टी ले जाते हैं वहाँ भी वो गप्पे लगाते हैं, वहाँ भी वो राजनीति की बात, वहाँ भी वो धंधे पानी की बात कर लेते हैं। कौन बैराग जगाएगा इतना खड़ा जीव पैदा हो। जिसम झोपड़ी को लगी आग जब हुई मेरे बेरा की जाग तब संभाले अपने रतन में थी अपने आप को मैं आप थी। यानी वो कह रहे कि यदि तेरी झोपड़ी में यानी घर में आग लगे तो बताओ क्या करोगे। सबसे पहले तुम निकलने की सोचो, तो सबसे पहले निकलने के पहले सोचोगे सबसे कीमती वस्तु क्या है वो भर ले जाओ। ऐसा नहीं कि झाड़ू निकालने में अपनी आग लगा दो। तो सच्ची घटना है, एक बार कंटिन्यू 8-10 दिन तक लगातार बारिश जबलपुर में हुई, जैसे लास्ट ईयर या इसके पहले हो 2 साल या 1 साल की बात, और बैराग शास्त्री के घर के सामने की बात। तो एक व्यक्ति का घर टूटा हुआ तो उसने ये गिर जाएगा ऐसा विचार करके अपनी तिजोरी तो नहीं निकाली वहाँ से, पेटियाँ तो नहीं निकाली, परंतु वो दूसरे सामने वाले घर में किराए से रहने। और जिस दिन घोर बारिश उसे ऐसा लगा कि आज तो मकान गिरेगा, तो वो 4 आदमी गए और अपनी तिजोरी और पेटी खोल करके सोना और नोट निकाल करके लाए। तो एक हाथ में सबके सोने थे और एक हाथ में नोट, और ऐसी जोर बारिश थी कि दीवार गिरी और चारों के ऊपर पड़ी। और क्या हुआ होगा जिससे ये कथा कह रहे चारों मर गए। तो सवेरे जब वो दीवार हटी तो सब सोना लिए थे और वो पैसे लिए थे और किसी के साथ कोई ले जाने की व्यवस्था। ये कह रहे झोपड़ी को आग लग गई है, आंखों में दिखता नहीं है, चलना कमर झुक गई है, एक एक नोटिस आ रहे हैं, बाल की तरफ से देखो तो खाल की तरफ से देखो तो चाल की तरफ से देखो तो भी मस्तानी वासना तरफ देखो। तो वो कहते थोड़ी लौट अपने घर जाना था। जिसे मौत है उसे तो है मुझे को है क्या, मुझे तो नहीं थे है मुझे को क्या, मेरा नाम तो जी अपना आधार बताएं कि भैया तैयार होना समाधि के लिए। तो तुम कौन हो कि जीव, ये कब से जीव हो कि चिरकाल, कब तक जीव रहोगे कि चिरकाल तक रहेंगे अनंत काल तक रहेंगे। तो ये पड़ोसी का क्या हो गया कि ये यहीं मिली है प्राप्त पर्याय और इसकी स्थिति थोड़े काल, और ये तो छूट जाएगी पर इसके पीछे जो पाप हो रहा है इसका फल अपन को हो, तो इसका ममत्व छोड़ो। इस झोपड़ी को लगी आग है, इसे मौत है, कैसी कैसी भाषा ले, जिसे मौत है उसको है मुझे क्या। अब अपना परिचय चालू किया, किसके बल से समाधि होती है वो बताए। मेरा नाम है जीव, मैं जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरजीव हूँ, अखंडित अमंडित अरूपी अलक अधेही अभी ही अनेही निरख,
परम ब्रह्मचर्य परम शांतितम निरालोकलोकान्तकम्। समय अपना नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिए आज में। परम ज्योति परमेश परमात्मा परम शुद्ध परम से शुद्धात्मा चिदानंद चैतन्य चिद्रूपम् निरंजन निराकार शिवभूतम्। ये देह जकर चले आज हम चिता में धरो इसे भूले जाके तुम कहीं जाओ। यह देह क्या इससे काम तही इससे रगबत मोहब्बत तमाम। मुए संग रह कर बहुत कुछ मुए मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। मिली आज संन्यास की ये घड़ी मेरे हाथ आई ये अद्भुत। इससे ये पता लग गया कि मैं जी हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो बहुत बड़ी जड़ी मिली, अब उसकी मौत बिगड़ नहीं सकती। बहुत बड़ी बात बन गई, किसी पता चल गया मैं जी हूँ। विषय विष से निर्विष हुआ आज में चला चल से निश्चय हुआ आज में। परमाव अमृत पिया आज में कला पिया आज में। घटा हाथ में उपयोग किया चंकोर है निजानंद झाजन की झंकोर है। जगत के लोग सोते हैं ये मर रहा मर रहा मर रहा, जो कितनी मस्ती बताए। अरे मेरा तो महोत्सव होगा, मुझे तो अपने घर की पता ख्याल हो। अब मेरा उपयोग लौट लौट के अपने मिला। हाँ मेरा जीवन तो सफल हो। यदि आखिरी सफल हो गई तो समझ लेना जीवन की साधना सफल। ये कोई आखिरी में तुम्हें नमोकार न सुना देगा, तुम सुनने लायक रहोगे ऐसी योग्यता नहीं है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव रात दिन जब प्रैक्टिस चलेगी भिन्न है छूट जाना है मैं तो अलग हूँ तो पर ये यात्रा सफल। अंतिम अजय हूँ अमर हूँ अमरता कभी चिदानंद शाश्वत अमरता कभी। संसार के जीव मरते डरे परम पद का शिवला वंदन करे। परम पद का शिवला इच्छा लाने प्रसिद्ध अजर हूँ अमर हूँ नमर का कभी चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। संसार के जीव मरते डरे परम पद का शिवला बंधन करे। अब आँख बंद करके पढ़ो, आँख बंद करो सब। अजय हूँ अमर हूँ नम्रता कभी चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। कि संसार के जीव मरते डरे परम पद का शिवला बंधन करे। परम पद का शिवला बंधन करे। एक पर्व आया और बहुत शांति से अपन सब ने पुण्य प्रमाण आराधना की, सबके हृदय बदलते, कुछ ना कुछ सीखते, कुछ ना कुछ जनवाणी से अपन को लाभ मिलता है, विशुद्धि जगती है, पूजन में लाभ प्रवचन में लाभ सब तरफ से अपने विशुद्धि होती है। सच्चा लाभ तो सम्यक दर्शन से चालू होता है मोक्ष मार्ग। अभी जो अपन को ये लाभ मिला है विशुद्धि जगी
इसमें शुद्धि को कायम रखना हो तो प्रतिदिन स्वाध्याय में हो। यदि आप अपने ऊपर दया कर सकते हो, क्योंकि अभी 10 दिन तो प्राकृतिक भाव होते हर आदमी, कभी मंदिर ना आए तो 10 लक्षण कर्म में आने का भाव ऑटोमेटिक, परंतु 11वें दिन से न जाने कौन सा क्या हो जाता है कि एकदम घोर परिवर्तन। भगवान सोचते कि क्या हो गया, कल तक तो बड़ा धर्म दिख रहा था, आज कल तो अपना ये जीवन जैसे मुफ्त में न चला जाए, इसे सार्थक करना है। तो सरस्वती के अलावा शरण कहीं नहीं, बोल तो भगवान है आपके यहाँ, दीवार बोलती दीवार, ये जनवाणी बोलती कथा भगवान है। पढ़ना पद्मनंदी पंचविशतका में लिखा है, इस काल में सर्वज्ञ का विरह है और सर्वज्ञ के विरह की जगह जिनवाणी माता ने ली, और जो जिनवाणी का आधार स्वाध्याय लाभ लेता है उसे सर्वज्ञ देव के लाभ लेने का फायदा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, बोलने में प्रणाम कठोर हो गए हो, किसी की निंदाई हो, कठोर वचन निकले हो, उस जीव से क्षमा मांगते हैं और पंच परमेश्वरियों से भी क्षमा मांगते हैं। ये भगवान आपका मार्ग बहुत गंभीर सूक्ष्म, ज्ञानियों के गम, बड़े बड़े पुरुषों ने इस पर चल करके मंजिल की प्राप्ति की, हम बालक हैं, बच्चे हैं, हमसे अभी आराधना नहीं बनती है। हम कभी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कभी हवा खाने निकलते हैं, कभी व्यंजन ले लेते हैं, हमारी बस का इतना मार्ग नहीं है। फिर भी जो बना हमसे, हमसे जो आराधना हुई, आसाधना हुई, मन वचन काल में कुटिलता रही हो, उसके लिए हम सब पंच परमेश्वरी अनंतों भगवंतों से, सिद्धों से, अरहंतों से, आचार्यों से, उपाध्यायों से, साधुओं से, पूज्य गुरुदेव से, कांजी स्वामी से, माता जी से, सब जीवों से, साधकों से क्षमा मांगते हैं। प्रभु हमें आपका मंगल आशीष बना रहे, हम इस मार्ग में सफल हों। अब हमें भव नहीं चाहिए, समाधि मरण करके जीवन सार्थक करें और अगले भव में मुनि होकर के भगवान बन जाए, ऐसी मंगल भावना से। ये 10 लक्षण महापर्व की उपासना, भगवान की शासन नाय भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ संतनाथ हरेनाथ भगवान की, सीमंदर भगवान की, नैमिनाथ भगवान की, समस्त जिन बिंबों की, जिनवाणी माता की, परम उपकारी जिनवाणी मार्गदर्शन, परम उपकारी सतगुरु।